हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडजस्टमेंट लेयर के बारे में। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर एडजस्टमेंट लेयर किस तरह काम करता है और उस पर हम क्या कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं अपने एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिप ले लेते हैं ढेर सारे। यहाँ पे क्लिप लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के बारे में समझेंगे। एडजस्टमेंट लेयर क्या है कि अगर हमारा ढेर सारे फोटोज हैं, जैसे हम कोई फ़ोटो वेडिंग का या फिर कोई भी फ़ोटोज़ को हम या फिर क्लिप को यहाँ पे हम एडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें कलर करेक्शन करने में काफ़ी यहाँ पे रुकावट आती है। जैसे यहाँ पे हम इसमें करें या फिर इसमें करें, तो ऐसे ही करते करते मतलब टाइम भी लग जाता है और अच्छे से हो भी नहीं पाता है। ठीक है, अगर हमारा फुटेज ऊपर नीचे ज़्यादा है या फिर आगे पीछे है तो और भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं। एडजस्टमेंट लेयर बनाने के बाद उस पर हम एक सिंगल कोई भी इफेक्ट वगैरह या फिर कुछ भी वहाँ पर हम दे सकते हैं या फिर उसको एनिमेट कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं एक साथ। जैसे हम आपको यहाँ पे कलर करेक्शन करके दिखा दे रहे हैं। जैसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट में आएंगे। जैसे हम यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ले लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट को यहाँ पे ले लेते हैं और लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करने जाऊँ सारे फ़ोटोज़ को, तो पहले इसको करूँगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम ज़्यादा लगने की वजह से हमारा एडिटिंग थोड़ा देर में होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं। उसको बनाने के बाद उस पर हम जो भी एडिटिंग करना होता है या फिर कलर करेक्शन या फिर ब्लर इफेक्ट या फिर जो भी इफेक्ट हमको देना है, हम एक साथ उस पर दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे एडजस्टमेंट लेयर बनाना। तो उसके लिए क्या करना है, आना है यहाँ पे हम बीन वाले ऑप्शन पे। बीन वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे छोटा सा न्यू आइटम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे नीचे में एडजस्टमेंट एक लेयर है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह खुल जाएगा। यहाँ पे वेट दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, जो एक्चुअल आपका फ्रेम साइज है वीडियो का, और यहाँ पे टाइम बेस दे सकते हैं और यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा ये एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे बन चुका है। अब इसको यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लेते आएंगे और इसको लाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं हम। अब ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, ये वाला जो क्लिप हमारा है, ये वाला जो मेरा क्लिप है यहाँ पे, ये ब्लैक एंड वाइट है। अगर सारे क्लिप पे हम अगर ब्लैक एंड वाइट करना चाहें, हम आप पहले दिखा दें कि कोई सा ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे नहीं है। इसको मैं आगे बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई भी यहाँ पे सारा रियल है। अगर हमको सारा फुटेज को यहाँ ब्लैक एंड वाइट करना है एक साथ, तो क्या करेंगे, आएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट को लेंगे और एडजस्टमेंट लेयर पे यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे फुटेज पे एक साथ यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर को यहाँ पे हम कट करके यहाँ से कुछ और कलर और यहाँ से कुछ और कलर कर दें, तो यहाँ से क्या करेंगे, को जाएंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ब्लैक एंड वाइट पूरा है और उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पर पूरा रियल हो गया है। इसके लिए किसी और कलर को यहाँ पे लाने के लिए यहाँ से कोई भी कलर को यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन पे, जैसे इसको हम ले लेते हैं, ला के यहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप कर लेते हैं। अब ड्रैगन ड्रॉप करने का आप देख रहे हैं कि इसका कलर कुछ चेंज हो चुका है, इस कलर यहाँ पे ये चेंज हो चुका है और उसके पहले का जो भी है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ तक का हमारा कुछ ब्लर टाइप में दिखे, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ से इसको ब्लैक एंड वाइट वाले को यहाँ पे से डिलीट कर देते हैं इफेक्ट को। उसके बाद आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे ब्लर, कैमरा ब्लर, यहाँ से हम कैमरा ब्लर को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये पूरा ब्लर हो चुका है, सारा क्लिप यहाँ से ये ब्लर हो चुका है। ठीक है, इसका यहाँ से ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ से ये ब्लर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एडजस्टमेंट लेयर में कुछ बदलाव लाना या फिर इसको एनिमेशन करना, तो यहाँ से इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आएंगे मोशन वाले ऑप्शन पे, यहाँ से इसको हम छोटा कर सकते हैं, जहाँ तक ना रखना चाहें यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। ऐसे इसको हम यहाँ पे आप जितना बड़ा रखना चाहें उतना बड़ा इसको रख सकते हैं, जहाँ चाहे उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।